First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic types of immunity. Before going to start, first revise our previous class content. That is acquired immunity or innate immunity. What is immunity? First of all, that is there are mainly सबसे पहले यहाँ पे जो group in large group in innate immunity divided into two type, innate immunity and acquired immunity. Then acquired immunity is what? It is adopted or acquired through environment. Or simply हम जब different type of antigen को face करते हैं, that is हो सकता है वो soil particles भी हों even, तो और proteins, small protein molecules भी हो, तो वो भी हमारे body के लिए वो antigen की तरह work करेंगे. तो इनके through क्या होता है कि हमारे बॉडी में इवन माइक्रोब्स हो, पैथोजेंस हो, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हो, तो इनके लिए एक इम्यूनिटी जनरेट होती है हमारी बॉडी में. और इस बेस पे डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होगी. दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी. तो सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. देयर आर टू टाइप, टू मेन टाइप ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी फर्स्ट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेकेंड इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है? सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? दैट इज हमने इम्यूनिटी में पढ़ा है कि लिम्फोसाइट सेल, ये फैगोसाइटोटिक इन नेचर होंगे और मेनली एंटीबॉडीज का और कुछ सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में फैगोसाइटोटिक सेल कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स, दीज आर मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल. साइटोटॉक्सिक टी सेल. दीज आर दीज रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एंटीजन एज ए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंड जो इम्यूनिटी जनरेट होगी उसे क्या बोला जाएगा? सेल मीडिएटेड, क्योंकि सेल के थ्रू वो इम्यूनिटी दी जा रही है. दीज ऑल दीज आर फैगोसाइटोटिक इन नेचर एक्सेप्ट टी सी सेल्स, दैट इज मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स आर फैगोसाइटोटिक इन नेचर. एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल आर फैगोसाइटोटिक्स इन नेचर. फैगोसाइटोटिक इन नेचर, फैगोसाइटोटिक इन नेचर होंगे. और टी सी सेल कैसे होंगे? टी सी सेल्स आर साइटोटॉक्सिक टी सेल आर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, टॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ये होंगे. अब यहाँ पे जो टी सी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं. जो बैक्टीरिया और वायरस कोई भी पैथोजेन हो उनके सेल मेम्ब्रेन पे पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोलिफरेशन हो जाएगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सेल होगी यहाँ पे पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा
और इस स्पोर्स से जो टीसी सेल्स होंगे ये टॉक्सिन्स रिलीज कर देंगे, सीडी8 और सीडी4 सम लाइक कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये कैसा हो रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स वर्क करेंगे। अब मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एक्चुअली करते क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, दे आर फोटोसाइटिक फैगोसाइटिक इन नेचर, सो दे इनगल्फ पैथोजेन बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया वायरस एंड पैथोजेन अदर माइक्रोब्स। तो ये मैक्रोफेज अमीबॉइडल शेप में होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस। अब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो ये क्या करेंगे, इनके इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, जैसे अमीबॉइडल मूवमेंट होता है। और इंगल्फ अमीबा कैसे इंगल्फ करते हैं, इनवेजिनेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इनवेजिनेशन होने की वजह से एक डेप्थ बन जाएगा और फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे और उसको एक कवरिंग बना लेंगे। अब यहाँ पे इसे अंदर की तरफ ले लिया जाएगा और मैक्रोफेजेस फाइनली क्योंकि सेल्स हैं, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेंगे, गॉल्जी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। लाइसोजाइम एंजाइम फ्यूज विद द वैक्यूल कंटेनिंग माइक्रोब्स एनी माइक्रोब्स। अब यहाँ से ये क्या होंगे कि मैक्रोफेज में लाइसोजाइम और माइक्रोब्स दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे लाइसोजाइम क्या करेंगे, इस फाइनली माइक्रोब का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डाइजेस्ट कर देते हैं और फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। सेम सिमिलर मोनोसाइट्स भी इसी तरह, एक्चुअली में मोनोसाइट्स ये कैसे सेल्स हैं, ये डेवलप होके या मैच्योर होके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दोनों ही एक ही जैसे ये सेम सेल होंगे ना। टी सेल और मैक्रोफेजेस के फंक्शन के बाद ये कैसे, जब इम्यूनिटी इस तरीके से जनरेट होती है सेल के थ्रू, फेगोसाइटोस या तो कर लिया जा रहा है या पोर फॉर्मेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर पैथोजेन को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, तो दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ सेकेंड इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मेनली एंटीबॉडीज आर फंक्शनल इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के थ्रू मीडिएट होंगे और इसमें आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी। इस तरीके के इम्यूनिटी में जो है ये क्या, आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ये किसके थ्रू फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, देन बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू
ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसे हो रहा है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के थ्रू। एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, एक सिंपली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट क्लस्टर बना देते हैं बैक्टीरिया पैथोजन और कोई भी माइक्रोब्स हो, देन क्लस्टर के बाद फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और डाइजेस्ट कर दिया जाएगा विद डिफरेंट एंजाइम्स। नाउ यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यूनिटी में सबसे जो मेन फंक्शन है एंटीबॉडीज का, ये फॉर्म कैसे होते हैं, यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ही सबसे प्राइमरी फंक्शन होगा मैक्रोफेजेस का ही प्राइमरी फंक्शन होगा। यहाँ पे जब भी एक्सपोजर होता है बैक्टीरिया और वायरस का, मेनली वायरस, यहाँ पे दीज आर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस व्हेन मैक्रोफेजेस fight with viruses, these viruses actually they engulf or phagocytose these viruses but they are unable to fight with it। यहाँ पे ये इनसे लड़ नहीं पाते हैं और macrophages क्या होने लगते हैं, die करने लगते हैं। यहाँ पे simply जैसे engulf हो रहा था, engulf के through ये macrophages इन viruses को engulf कर लेते हैं, लेकिन इस case में क्या होगा कि ये वायरसेस बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू दीज मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस जब वीक पड़ जाते हैं तो नॉर्मली ये क्या होने लग जाएंगे, डाई करने लग जाएंगे। डाई करने के बाद क्या होगा, डाई करने लग जाएंगे तब ये सिग्नल्स रिलीज करने लगेंगे। दे रिलीज सिग्नल इन सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी फ्लूइड। सिग्नल्स कुछ तो फ्लूड में सिक्रीट कर लेंगे और कुछ एज ए रिसेप्टर्स पे उन्हें शो करने लगेंगे कि वो उन ये इंडिकेट करेगा कि वो डाई करने वाले हैं और उन पे वायरल का अटैक हुआ है। स्मॉल पीस ऑफ वायरस के ही एंटीजन को वो डिनोट करेंगे कि उन पे वायरल का अटैक हुआ है और वो डाई कर रहे हैं, वो अनेबल है इन वायरसेस से फाइट करने में। देन इसके बाद क्या होगा, ये सिग्नल्स रिसेप्टर के थ्रू रिसीव किए जाएंगे जो ऑलरेडी बी सेल्स पे प्रेजेंट हैं। बी सेल इन्हें रिसीव कर लेंगे और एक और मैकेनिज्म है, अगर बाइश ये रिलीज करते हैं सिग्नल्स इंटरफेरॉन, दे आल्सो रिलीज सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स भी क्या किया जाएगा, ये रिसेप्टर के थ्रू इन्हें भी रीड कर लिया जाएगा, वो रीड कर लिया जाएगा बाय बी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट सेल के थ्रू इन्हें रीड करने के बाद सिंपली ये मैसेज न्यूक्लियस तक जाएगा और न्यूक्लियस क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। अब लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चैन की सिंथेसिस होगी और ये आर्मी ऑफ यही पॉलीपेप्टाइड चैन क्या है, एंटीबॉडीज। और इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज करके इन्हें ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। अब जहाँ से ये सिग्नल आ रहा है ये वहीं जाएंगे, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं और इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जहाँ पे वायरल अटैक हुआ है। फिर दे फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ वायरल वायरस डिफरेंट वायरसेस और इन्हें अपने आर्म के थ्रू, यहाँ पे आर्म है जो एंटीजन बाइंडिंग आर्म प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू हम देख लेंगे इस आर्म के थ्रू ये इन्हें इनसे बाइंड कर जाएंगे और यहाँ पे क्लस्टर का फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और फाइनली इन्हें डाइजेस्ट कर लिया जाएगा ड्यूरिंग ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या है, ये मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स को ही प्लाज्मा सेल्स बोला जा रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज देख लेते हैं, कैसे ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे होते हैं और कितने आर्म्स होते हैं। मेनली 4 आर्म होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज।
structure of antibody formed by four polypeptide chain. Formed by four polypeptide chain. Interior side of this polypeptide chain or arm has a region known as variable region, then half part is known as constant region. There is this part is known as interior part is known as variable region. Variable region that means ki protein hai ye polypeptide chain hai. To polypeptide chain is formed by the different type of amino acid. To how many type of amino acid are present? There are different type of mainly amino acids are present on the basis of a type of antibodies. किस type के antibodies हैं उन पर depend करेगा कि type of amino acid. तो different जितने भी antibodies होंगे mainly five type of antibodies are present. तो वहाँ पर क्या होगा कि जितना constant region है वो almost सभी antibodies में similar रहेगा ना. Variable region ही change होगा. Variable region में that means कि क्या change होगा, सिर्फ amino acid के sequence change होंगे, sequencing change होगी, otherwise और कुछ नहीं यहाँ पे change नहीं होगा. Now जो constant region है ये similar होगा. In all type of antibodies. तो ये basic structure है और general structure है antibodies का. General जितने भी antibodies होंगे सबका यही structure होगा, जिसमें कि total number of polypeptide chain are four in number, जिसमें से heavy chain two in number and light chain again two in number light chain होंगे ना. यहाँ पे two heavy chain and two light chain present होंगे, जिसमें से heavy और light मिलके constant variable region then constant region. यहाँ पे भी वेरिएबल रीजन देन कॉन्स्टेंट रीजन. और इंटीरियर साइड में दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा. एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीजन बाइंडिंग साइट टू कॉन्स्टेंट रीजन. यहाँ पे दोनों चैन किसके थ्रू जुड़े रहेंगे, इवन जितने भी फोर चैन हैं पॉलीपेप्टाइड के वो डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़े रहते हैं. दीज आर अटैच्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज. देयर आर थ्री डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट इन बिटवीन टू हैवी चैन विच इज अ लॉन्ग चैन. थ्री यहाँ पे भी डाइसल्फाइड ब्रिज के प्रेजेंट में डाइसल्फाइड ब्रिज के वजह से ये दोनों ही चैन एक दूसरे से बाइंड, इवन फोर चैन एक दूसरे से बाइंड किए हुए रहते हैं. अब नाउ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में ही जो बेसिक स्ट्रक्चर था ये है. देन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में देयर आर फाइव टाइप मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज
उन वहाँ पे वेरिएबल जो वेरिएबल रीजन होगा सिर्फ यही चेंज होगा, और उसमें भी अमाइनो एसिड की सिक्वेंसिंग चेंज होती है। ये पॉलीपेप्टाइड चैन होगा, दैट मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंपली होंगे, और ये सिर्फ वेरिएबल रीजन में अमाइनो एसिड के सिक्वेंस चेंज होंगे, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप हैं एंटीबॉडीज के सब में सेम स्ट्रक्चर, सभी के सेम स्ट्रक्चर होंगे, मे बी उनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट। फर्स्ट इज IgG, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। नाउ जो फंक्शन होगा वो क्या है, इट्स क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस, फीटस को इम्यूनिटी, जो इनबॉर्न और अल्ट्रा यूट्रिन लाइफ में जो इनबॉर्न बेबी है वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं, और प्लेसेंटा क्रॉस करने का मेन रीज़न ये है कि ये साइज में छोटे होंगे तभी, स्मॉल साइज में होंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यहाँ पे स्मॉल साइज में है, जिस वजह से ये इजिली प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं। देन सेकेंड इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन, अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इट इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क दैट इज इनिशियल, जब ड्यूरिंग जब प्राइमरी लैक्टेशन होता है, या जब फीटस का या इन जो बॉर्न होता है बेबी, उसके बाद जो येलोइश कलर होता है मिल्क में, वो मिल्क कुछ दिनों तक या प्राइमरी जो डेज होते हैं, शुरुआत के पहले दिन जो होते हैं फ्यू वीक्स, उस समय कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, मिल्क में कोलेस्ट्रम होते हैं, इसी में IgG प्रेजेंट होंगे जो न्यू बॉर्न बेबी को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे कोलेस्ट्रॉल। इम्यूनिटी टू न्यूली बॉर्न चाइल्ड, थर्ड इज IgM, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन
इम्यून, ये मेनली क्या फंक्शन करेंगे, ये जितने भी ये जो जनरेट होता है जब पहला वायरस अटैक होता है और मेमोरी बी सेल्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो एक मेमोरी बनती है बी सेल्स में, तो फाइट करने यही जाएंगे और यही फाइट करने एंटीबॉडी जाते हैं मेनली, तो ये जनरेट करेंगे फर्स्ट इम्यूनिटी, जनरेट फर्स्ट इम्यूनिटी और फर्स्ट इम्यूनिटी दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट आईजीजी ये तो मदर से मिल रहा है फीटस को, और आईजीए विच इज ऑल्सो मदर से मिल रहा है, आईजीए भी मदर से मिल रहा है, देन आईजीएम क्या है, ये फर्स्ट इम्यूनिटी और फर्स्ट एंटीबॉडीज है जो जनरली जो पहली बार वायरस से या एंटीजन के अगेंस्ट में जो पहली एंटीबॉडीज एंटीबॉडी बन रही है ना. थर्ड फोर्थ इज आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन. It is formed during allergic response. It is formed during allergic response. Allergic response में इनका formation होता है और ये IG जो एप्सिलॉन है ये क्या करेंगे, ये जनरली जो डिजीज है अस्थमा ये एलर्जी है काइंड ऑफ, तो फॉल्स इम्यूनिटी जनरेट होती है इसके वजह से. फॉल्स इम्यूनिटी दैट मींस कि माइंड को ट्रिगर किया जाता है एक पोलिन ग्रेन के थ्रू कि दैट इज कि उनके ऊपर या ह्यूमन बॉडी के ऊपर वायरस या माइक्रोब्स का अटैक हुआ है जिसके वजह से ये एंटीबॉडीज डेवलप कर जाती हैं, तो ये फॉल्स इम्यूनिटी भी बोला जा सकता है. और ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये मेनली फॉर्म होंगे, एग्जाम्पल इज अस्थमा. अस्थमा अस्थमा में जनरली ये कॉज होंगे. नेक्स्ट इज आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा. फिफ्थ इज आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा. डेल्टा और ये कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जनरेट करेंगे कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स, जनरेट कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स, जनरेट कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स. कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं और मेन जो फंक्शन होगा इनका इम्यून जनरेशन का होगा ना. जब ये जब दैट मीन्स कि जब बैक्टीरिया और वायरस अटैक करेंगे तो जो पहली एंटीबॉडीज फर्स्ट तो यहाँ पे जो पहली एंटीबॉडीज है ये बनेगी, जनरेशन होगा ना. सेकेंड क्या होता है, जब सेकेंड टाइम किसी भी बैक्टीरिया वायरस जब एक्सपोजर होता है तब जो एंटीबॉडीज बनेगी वो डेल्टा टाइप की एंटीबॉडीज होगा. दैट मीन्स कि जो सिग्नल्स मिलेंगे मैक्रोफेजेस से और उसके रिस्पॉन्स में और रिस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कर रहे हैं दीज आर आईजीडी दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा. अब ना ये क्या करते हैं, ये मेनली दीज आर ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा और एंटीबॉडीज के थ्रू इम्यूनिटी जनरेट होगी. एंड इसके बाद जब इम्यूनिटी जनरेट होती है तो अगर एक्टिव और पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी
भी बोला जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि अगर एक एक्टिव और पैसिव इनके बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे हम डिफरेंट देन डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के बेस पे, दैट इज एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ये नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय द सेल्स मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस टी सी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जनरेटेड, और जो मोनोफेजेस मोनोसाइट्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे ये क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे और होते हैं ये फैगोसाइटोटिक इन नेचर एंड फैगोसाइटोस डिफरेंट माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस, और यहाँ पे जनरेट करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज सेल साइटोटॉक्सिन टी सेल भी प्रोलिफरेशन का काम करेंगे वर्क करेंगे, देन ये पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे विद इन मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स, देन सेकेंड इज ह्यूमरल इम्यूनिटी विच इज मीडिएटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट इज जनरेट इनडायरेक्टली जनरेट ऑल्सो जनरेट थ्रू मैक्रोफेजेस, बट फॉर्मेशन जो मेनली होगा वो बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होगा, लेकिन सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मैक्रोफेजेस के थ्रू, मैक्रोफेजेस क्योंकि ये सबसे पहले एक्सपोज होते हैं किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे।